लीजिए 100 रुपए भिजवा रहे हैं श्रीमान प्रातः श्री आज जो पिकअप वाले कामना करते हैं भगवान दिन और रात की पिकअप रोड पे दौड़ते रहे और 100 रुपए श्रीमान बंटी यादव जो नगला सड़क से आए हुए हैं कामना करते हैं भगवान हमेशा भंडारी भरती रहे समाज का सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भगवत श्रोता बलराम जी कहने लगे हैं श्याम ये रत्न कौन है। कहने लगे भैया इन्होंने ही तो पत्र भेजा था। दाऊ भैया कहने लगे क्यों लड़की तूने ऐसा क्यों किया। कहने लगी है दाऊ जी मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में कर रहा था मैंने ऐसे इसलिए किया। जो रथ के पीछे देखा वह मिट्टी में लिसे पुत्र श्रीमान जी खड़े हो गए। बलराम जी कहने लगे कन्हैया ये रुक्मिणी है। बोले हाँ। बोले ये रथ के पीछे कौन है। कहने लगे ये हमारे साले साहब हैं दहेज में मिले हैं। बोले इसे रथ के पीछे क्यों बांध लिया है। भगवान बोले भैया जी मरखनो है बात तो बहुत जा चक्र में जाए रथ के पीछे बांध लो। बलराम जी कहने लगे अगर रिश्तेदारों के साथ में तू ऐसा करेगा तो भला कोई अपनी लड़कियों को उस द्वारका में शादी करने के लिए आएगा इसे छोड़ दे। भगवान कहने लगे मुझे ऐसी दया नहीं आएगी मैं नहीं खोलने वाला हूं तो मैं अगर इसके ऊपर दया आ रही है तो आप ही छोड़ दीजिए। बलराम जी आगे बढ़े ही रुकम को जैसे ही रथ से खोला वो एकदम से दाऊ भैया पर ही प्रहार करना शुभारंभ हो गया। दाऊ जी खड़े रुकम उनमें घूसा मारे जा रहा है बलराम जी नहीं मार रहे हैं। कहने लगे अगर मैंने एक घूसा इसमें मार दिया तो इसके प्राण पखेर उड़ जाएंगे लेकिन जब श्रीमती जी रथ में बैठी है जिंदगी भर जाए कहेंगी कि दाऊ भैया ने हमारे भैया को मार दिया। कन्हैया से ये नहीं देखा गया श्याम आगे बढ़े और रुकम को उठाया और जमीन पर पटक दिया उसे उस जगह पर भारी बेइज्जत किया है। शर को मुड़वा दिया एक तरफ की मौज साफ करा दी एक तरफ की भौं साफ कर दी और छोड़ दो चले जाओ। लेकिन शर्म की वजह से रुकम वहां से कुंदनपुर के लिए नहीं गया उसने उसी जगह पर अपना एक नगर बसा लिया जिसका नाम था भोजकट अभी उसे कहते हैं भरतना। रुकम वहीं रहने लग गया। मेरे भक्त श्रोता उधर भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में पहुंच जाते हैं तो सुखदेव जी बोले राजन पृच्छत ये खबर जब महाराज भीष्मक और मैया सुधमती को मालूम पड़ी है तो विध विधान से मंडप गढ़वाया और रुक्मिणी का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ में किया है। जब कन्यादान का समय आया तो मैया सुधमती ने और महाराज भीष्मक ने अपनी बेटी का कन्यादान किया है। मेरे भगवत श्रोता बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ जब भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में होता है भगवान को कोई एक ब्याह ना है भाव डेरे भाई बहुत। हाँ भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ में दूसरा विवाह हुआ जामंती के साथ तीसरा विवाह हुआ शतभामा के साथ भद्रा लक्ष्मणा कालिंदी मित्रविंदा भगवान के 8 विवाह हुए 8। एक भौमासुर नाम का राक्षस हुआ उसने ये संकल्प ले लिया कि जब तक मैं अपने यहां कैद में जेल में 20,000 लड़कियों को इकट्ठा नहीं कर लूंगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। तो उस भौमासुर नाम के राक्षस ने 16,100 लड़कियों को कैद कर लिया था। जब उन लड़कियों ने दुखी होकर के भगवान को याद किया तो भगवान ने देर नहीं लगाई माता
पहुंच जाते हैं। उस राक्षस का वध करने के बाद उन लड़कियों को उस जेल से रिहा किया और कहा है कि तुम अपने अपने घर के लिए चली जाओ। तो वो लड़कियां हाथ जोड़ करके कहने लगी, श्याम हमें काफी समय हो गया है इस जेल में, अब अगर हम अपने घर जाएंगे तो हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। तो भगवान ने उन 16,100 लड़कियों को भी अपनी शरण दी है। तब कहा है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए, और 16,108 ही नहीं बल्कि 16,109 नमी राधा हैं, जिनका भांडीर वन में विवाह हुआ, जो ब्रह्मा जी ने स्वयं कन्यादान लिया। और आदि को बजा को बता बता तो 9.5 है मेरे भगवत श्रोता। आज भगवान की जब विवाह हुए हैं तो कहती